तो BGMI का न्यू अपडेट बहुत जल्दी अवेलेबल होने वाला है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको न्यू अपडेट्स के बारे में बताने वाला हूं, जो कि क्लासिक मोड में आने वाले हैं। न्यू अपडेट में न्यू S32 गन देखने को मिलने वाली है, जो कि सभी मैप्स में अवेलेबल होगी इंक्लूडिंग मेट्रो रॉयल। ये गन 7.62 mm की एमओ से चलेगी और M416 की तरह इसमें भी टोटल 6 अटैचमेंट स्लॉट्स दिए जाएंगे और ये गन एकदम क्लोजनेस बीस्ट होने वाली है। न्यू अपडेट में दो सीट्स वाली साइकिल को हम फोल्ड भी कर पाएंगे और इसे अपने बैकपैक में स्टोर भी कर पाएंगे और माउंटेन बाइक की तरह इसमें भी हम जंप कर पाएंगे, पर ओनली जब इसे एक प्लेयर चलाए। BGMI में क्लासिक मोड में एक नया अपडेट आने वाला है, जिसमें जब भी आपका टीममेट नॉक हो जाता है या फिर आप किसी एनिमी को नॉक कर देते हो, तब से आप उसे व्हीकल में कैरी करके ले जा पाओगे, पर आप उसे पैसेंजर सीट पे ही कैरी करके ले जा सकते हो और नॉक प्लेयर चाहे तो अपनी मर्जी से गेट ऑफ का बटन दबा के बाहर निकल सकता है। प्लेयर्स अब से अपने कंपेनियन को ट्रेनिंग ग्राउंड में भी ले जा पाएंगे और उसके साथ इंटरेक्ट भी कर पाएंगे। और इसके साथ ही नया इम्प्रूव्ड स्पेक्टेटिंग सिस्टम भी आने वाला है। अगर आपको नहीं पता कि स्पेक्टेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक पिन कर दिया है, जाकर जरूर देखें। जैसे कि आपको पता है, थ्रोएबल स्लॉट्स में मल्टीपल आइटम्स होती हैं, जैसे कि मेली वेपन, क्लासिक थ्रोएबल एक्सेट्रा। वो सारी आइटम्स एक सही लॉजिकल ऑर्डर में रखी जाएंगी ताकि प्लेयर्स को यूज करने में आसानी हो। टैग्स को देखने के लिए प्लेयर्स को अपने बैकपैक में जाना होगा। तो ये जो हाइलाइटेड पार्ट है, मिड डिस्टेंस क्लोज रेंज, यही फायर आर्म टैग है, जिससे प्लेयर्स आसानी से अपने गेम प्ले के अकॉर्डिंग गन्स को उठाएगा। अब से जब भी प्लेयर्स गेम को जीत जाएंगे तो वो एक विक्ट्री डांस को परफॉर्म कर पाएंगे और उसके साथ ही विक्ट्री डांस में बैकग्राउंड इफेक्ट्स भी डाले जाएंगे, जो कि बहुत ही अमेजिंग लगेंगे देखने में। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।